अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। सीतापुर यूपी पुलिस ने एक किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में कथित बाबा सियाराम दास को गिरफ्तार किया है। किशोरी का आरोप है कि बाबा ने उसको गैरकानूनी तरीके से 8 महीने तक बंधक बनाए रखा और कई बार बलात्कार किया। पीड़िता का यह भी कहना है कि बाबा के कई शिष्यों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के एक रिश्तेदार ने 50,000 रुपये में उसको बाबा की एक शिष्या को बेच दिया। उसके बाद पीड़िता को पहले लखनऊ ले जाया गया और उसके बाद बाबा के मिसरिक स्थित आश्रम लाया गया, जहां बाबा ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के मुताबिक बाबा ने उसका एक MMS भी बनाया और धमकाया कि यदि वह किसी को भी इस बारे में बताएगी तो उसको खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। उसके बाद उसको आगरा स्थित आश्रम ले जाया गया और जहां 8 महीने तक रोज रात में अन्य लोगों द्वारा उसका बलात्कार किया जाता रहा। उसके बाद जब उसको वापस मिसरिक लाया गया तो बाबा ने फिर बलात्कार किया। किसी तरह से पीड़िता के हाथों बाबा का मोबाइल फोन लग गया और उसने आश्रम से ही पुलिस को फोन कर दिया। बाबा एक गर्ल्स स्कूल भी चलाता है। पीड़िता ने यह आरोप भी लगाया है कि बाबा इसके माध्यम से सेक्स रैकेट भी चलाता है और राजनेताओं और नौकरशाहों को भी स्कूली गर्ल्स की सप्लाई की जाती है। हालांकि बाबा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वह कभी पीड़िता से नहीं मिला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।